एवरीवन, वेलकम बैक टू डू इट विद रुचि। और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी, अप्पम की रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, फटाफट आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो इसको बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तब भी आप इसको बना सकते हैं। तो आइए फिर फटाफट से देखते हैं कैसे बनता है ये हेल्दी अप्पम। अप्पम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है। आप सूजी किसी भी प्रकार की मोटी या फिर बारीक ले सकते हैं। और मैंने इसको एक मिक्सी के जार में डाल दिया है सूजी को। और अब मैंने लिया है 1/2 कप पोहा, तो पोहा भी डाल देंगे इसी मिक्सी के जार में। और मैंने लिया 1 चम्मच नमक लिया है यहाँ पर, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी या शुगर ली है, और 1/2 कप मैंने दही लिया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं लेंगे। और उसी कप से मेजरमेंट करते हुए मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी डाला है अभी, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो पानी और भी डाल सकते हैं। और इसको मैंने पीस लिया था मिक्सी में, अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक ईनो का पाउच लिया है। वैसे आप यहाँ पर 1 टीस्पून ईनो डाल सकते हैं, लेकिन एक पाउच में जितना ईनो निकला था तो मैंने डाल दिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डाल के इसको बस हल्का सा ही मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको चलाएंगे या फेंटेंगे नहीं, बस इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद गैस पर एक पैन रख देंगे और पैन को गर्म कर लेंगे और हल्का सा ऑयल लगा देंगे। अगर आप चाहते हैं बिना ऑयल के बनाना तो आप बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। और 1 चमचा भर के हम इसमें इसको डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 चमचा इसको ऐसे फैला दिया है। इसको बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहती है कि अपने आप ही स्प्रेड हो जाता है। और आप देख सकते हैं कितने होल हो गए हैं इसमें। तो ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट और सुपर यम्मी बनता है। आप इसको फटाफट से बन जाता है, तो आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। अगर आप जल्दी में और आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या ब्रेकफास्ट बनाएं, तो आप इसको बना सकते हैं। और ये बिल्कुल बिना ऑयल के भी बन जाता है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। बस एक तरफ से हमारा अप्पम सिक गया था, इसको लो फ्लेम पर ही सेकेंगे। और अब दूसरा अप्पम बनाते हैं। इस तरीके से बस डाल देंगे इसको। हमको चमचे से फैलाने की, स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखते हैं कि अपने आप ही ये स्प्रेड हो जाता है। और इसका गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। और इसको 2.5 से 3 मिनट लगते हैं इसको पकने में नीचे। और इसको एक ही साइड हम सेकते हैं। आपको ऐसा लगता होगा जैसे ये कच्चा रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब इसको आप खाओगे ना, तो इसका टेस्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं आता। इसमें जो होल हो जाते हैं, इससे ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल। और बिल्कुल भी आपको कच्चापन सा फील नहीं होगा। आप इसको मूँगफली की चटनी, सांभर या फिर नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी या फिर सांभर, तो उसकी लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे बनती है मूंगफली की चटनी, सांभर या फिर नारियल की चटनी। तो सुपर सॉफ्ट, सुपर यम्मी अप्पम हमारा बन करके रेडी है। इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी प्रोसेस से हम अपने सारे अप्पम बना लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप इनको एक बार ज़रूर ब्रेकफास्ट में ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।